ओम शांति। आपके बीच में हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी माउंट आबू ज्ञान सरोवर से पधारी हैं। एक एक प्राचीन कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। एक कहावत है क्या प्राचीन कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ये कहावत ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी पर पूरी तरह लागू होता है। आप जन्म से ही ईश्वर वायुश्री परिवार की गोद में पली बढ़ी, क्योंकि जैसे ही आपका जन्म हुआ वैसे ही माता पिता ज्ञान में आ गया। न केवल माता पिता बल्कि पूरा परिवार ही ज्ञान में आ गया। फरनगर की में हुआ, बचपन से ही आप मेधावी छात्रा रही। पढ़ाई के अलावा आप खेल कूद भाषण वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेती रही। आपने संस्कृत और इतिहास में डबल एमए किया, साथ ही साथ आपने दिल्ली महाविद्यालय से जर्नलिज्म व प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। आप अच्छी लेखिका व प्रभावशाली वक्ता हैं। जब आप बोलना प्रारंभ करती हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे स्वयं सरस्वती आपकी जिभ्या पर आकर विराजमान हो गई। किसी भी विषय पर आप धारा प्रवाह वक्तव्य देती हैं। संकल्प शक्ति के प्रयोग, क्षमा भाव, भोग लगाओ भोग ना मिटाओ, पुण्यों की पूंजी, कर्मों की गहन गति आदि विषयों पर आपका वक्तव्य सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ईश्वर से आपका बचपन से ही अटूट प्यार रहा है और आपका पूरा जीवन ही उनके लिए उनकी सेवाओं के लिए अर्पित रहा है। आपने भारतवर्ष के अनेक सेवा केंद्रों व अपनी अमूल्य सेवाएं दी। में भी आपने 7 वर्ष तक अथक सेवाएं दी हैं। पश्चात पिछले 12 वर्षों से आदरणीय सूरज भाई जी के साथ आप भारत के कोने कोने में जाकर ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। यूएई, ओमान, श्रीलंका, मॉरीशस आदि देशों में भी आप ईश्वरीय सेवा भ्रमण कर चुकी हैं। आप न केवल ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी को अपने ज्ञान योग के अनुभवों से लाभान्वित कर रही हैं, बल्कि अनेक स्कूल्स, कॉलेज, इंडस्ट्रीज आदि में भी आध्यात्मिक ज्ञान की अलग जगह रही हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल पर आपका कार्यक्रम सुहाना सफल बहुत पॉपुलर हो रहा है। इस छोटी सी उम्र में आपने जो ईश्वरीय प्राप्त किया है वह अद्भुत है। दिन रात आप जो ईश्वरी सेवाएं कर रही हैं वह प्रशंसनीय है। सचमुच आप ईश्वर की सच्ची सच्ची गीता है। किसी ने कहा है कि जिंदगी ऐसी न जियो कि लोग याद करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग फिर याद करें। जिंदगी ऐसी न जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग फिर याद करें। आदरणीय गीता बहन जी का जीवन भी ऐसा ही है। ये जहाँ भी जाती हैं इन्हें लोग फिर फिर याद करते। आप भी इन्हें सुनने के बाद फिर याद करेंगे। ऐसी महान आध्यात्मिक विभूति का हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी गुमराव वासियों की तरफ से बार बार कोट कोट हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। हम आदरणीय गीता दीदी जी से निवेदन करेंगे कि वो अपने तपस्यारत जीवन और मनन चिंतन के द्वारा जो लाभ पाया है सबको लाभान्वित कराएंगी। आदरणीय गीता दीदी। ओम शांति। मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव और सभा में उपस्थित सभी महान आत्माओं को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में
खुशियों के, प्रेम के, सुख शांति और समृद्धि के रंग भर दे। ऐसी हमारी दिल की दुआएं और सुंदर भावनाएं आप सभी के लिए हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन उन्नाव में आज ब्रह्मा कुमारी की ओर से किया गया है। कितना सुंदर प्रोग्राम चल रहा था, कितने सुंदर कलाकार अपनी कलाकृति को हमें दिखा रहे थे, आनंद मगन हो रहे थे हम सभी। हम सोच रहे थे जब ये वास्तव में चैतन्य में थे यहां पर, तो इनके साथ रहने वाले किस तरह का आनंद अनुभव करते होंगे, कैसा वो सोचते होंगे। साक्षात श्री कृष्ण के साथ रहने का जिन्हें मौका मिला, रास करने का मौका मिला, मुरली सुनने का मौका मिला, तो क्यों ना हम अपने आप को भी ऐसा ही बनाएं कि कभी ना कभी हमें उनके साथ रहने का मौका मिले। लेकिन साथ रहने के लिए समान बनना जरूरी है। तो ऐसे गुण, ऐसी महानताएं हम अपने जीवन में लेकर के आए। हम भक्ति करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, शुद्ध निस्वार्थ निष्काम भक्ति में शक्ति समाई है। भक्ति भी धारा देती है हमारी भावनाओं का, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम भक्ति में क्या करते हैं, महिमा करते हैं देवी देवताओं की, जो महिमा लायक हैं भी उनकी महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं। परंतु इस होली पर एक छोटा सा परिवर्तन करना है। मैं भी श्री कृष्ण और श्री राम की वंशज हूं, मैं उनकी महिमा ही करती रहूंगी, या मुझे भी उन जैसा महान बनना है। केवल गुणगान ही करना मेरी भक्ति में सीमित है, या मुझे गुणवान भी बनना चाहिए। क्योंकि उनकी जो महानताएं हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो विशेषताएं हैं, जो उनके आदर्श है, जो उनके सिद्धांत रहे हैं, वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ी संपत्ति। तो जब हम अपने इष्ट देव को, इष्ट देवियों को मानते हैं, पूछते हैं, उनके सामने जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, होना भी चाहिए, परंतु एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि कुछ तो मेरे में भी आ जाए। जो बात उनमें है, कुछ बात मेरे में भी आ जाए तो बात बन जाए। तो फिर उनकी भी भरपूर आशीर्वाद, भरपूर दुआएं हमें प्राप्त होंगी। मेरा ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है। हम पिछले 2 वर्षों से बहुत ही खतरनाक समय से निकले। कोरोना पता नहीं किस किस के घर में रोना छोड़ गया। बहुत बड़ी त्रासदी हुई, पूरे विश्व में हुई, और पिछले साल भारत में भी त्राही माम मच गया। बहुतों के चले गए, बहुत जूझ के वापस आए, बहुतों के बिजनेस पर फर्क पड़ा, जेब पर फर्क पड़ा, बहुतों के घर पर, परिवार पर, मन पर फर्क पड़ा। आज इस संध्या के समय हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो हो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे हाथ में नहीं होती, और स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमता होती है। स्वीकार कर लेना बुद्धिमता होती है, और खुद को एक नए रास्ते पर चलाना, एक नई सोच के साथ
तो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बहुत सुखदायी और कल्याणकारी होता है। तो आज का टॉपिक भी है, जहां पूरा भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, स्वपरिवर्तन से कैसा विश्व परिवर्तन होगा। तो स्वयं का परिवर्तन हमें करना है, अपने मन की कमजोरियों को बदल कर उन्हें शक्ति रूप देना है। जो हमारी कमी कमजोरी है, उन्हें कमी कमजोरी को खत्म करके उसकी जगह शक्तियों को भरना है, ताकत भरनी है। और वो ताकत भरेगी हमारी अच्छी सोच से, अच्छे विचारों से, अच्छे संकल्पों से। हमारा मन जितना शुद्ध होगा, प्योर होगा, निर्मल, हम कहते हैं निर्मल मन होना चाहिए, निर्मल, जिसमें कोई मेल ना हो, किसी के लिए कोई मेल ना हो, गंदगी ना हो, अशुभ भाव ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो। इस प्रकार का जब हमारा मन होगा, तो मैं कह सकती हूं कि हम विश्व को बदल सकते हैं। सबसे बड़ी, किसी हथियार से भी बड़ी ताकत, एटम बम से भी बड़ी ताकत हमारे मन में है। अगर आपके सामने, आपके हाथ में AK-47 हो और शत्रु पे चलानी हो, लेकिन मन कमजोर हो, मन वीक हो, तो हाथ कांपने लग जाएंगे। AK-47 कुछ भी कर नहीं पाएगा। हथियार पावरफुल है, लेकिन मन क्या है? कमजोर है। और जब मन कमजोर होता है, तब बड़े से बड़े हथियार भी कुछ भी नहीं कर पाते, हमारी हार सुनिश्चित हो जाती है। और भले ही हमारे पास हथियार ना हो, लेकिन बुद्धि का बल हो, हमारे पास मनोबल पर चढ़कर हो, तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं, हार को जीत में बदल सकते हैं। तो इस सुंदर पर्व पर, जहां होली का त्योहार मना रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज अपने मन को यहां से बदल कर जाए। मन बदलेगा, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हमारी परिवार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होगा। परिवार से पड़ोस में होता है, पड़ोस से समाज में होता है, समाज से शहर में, भारत में होगा, और यहाँ का परिवर्तन विश्व को दिखेगा। तो सबसे बड़ी जरूरत है मन के परिवर्तन की। तो अगर किसी के लिए भी आज होली पर, किसी के लिए भी मन में कोई भी वैर भाव है, दुर्भावना है, बदले का भाव है, गुस्सा है, नाराजगी है, तो सबसे बड़ा पहला बदलाव यही करना है कि सुंदर पावन बेला पर, इस सुंदर पावन स्थान में केवल एक संकल्प ही यहां करना है कि ये मुझे खत्म करना है। और उसके लिए एक ही शब्द है, क्षमा। तो आज अपनी खुशी के लिए, अपनी सेहत के लिए, परिवार की उन्नति और खुशहाली के लिए, हम इस क्षमा शब्द को पकड़ करके रहेंगे, करके रहेंगे, किसी से माफी मांग लेंगे, किसी को माफ कर देंगे, अपनी जीवन की यात्रा को सुखी सरल बना लेंगे। तैयार हैं आप सभी? तैयार हैं? जो तैयार है वो हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जी से किसे किसे प्यार है? बहुत प्यार करते जो श्री कृष्ण से, वो हाथ खड़ा करेंगे। हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देव,
सिर्फ श्री कृष्ण से ही प्यार है कि उनकी बातों से भी प्यार है? जो कहते हैं कि हमें उनकी बातों से भी प्यार है वो हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। अभी देखिए, श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी भूले माफ की थी, कितनी आवाज आनी चाहिए उधर से, कितनी। और हम कौन है श्री कृष्ण के? जो कहते हैं हम श्री कृष्ण के वंशज है वो हाथ खड़ा करो। अगर वो सो भूले माफ कर सकते हैं तो क्या हम अपनों की 10 भूले माफ नहीं कर सकते? हाँ या ना, जोर से हाँ या ना। तो आज आपका आना इतना सार्थक हो जाएगा कि जीवन में और घर परिवार में खुशहाली आ जाएगी। व्यक्तिगत रूप से मैं ये नहीं कहूंगी कि कानूनों के पचड़ों में पड़ो, जो कानून है भारत के वो अपना काम करते रहे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने मन को मुझे शांत शुद्ध निर्मल बनाना है। इसमें केवल दुआएं और शुभ भाव की गंगा बहती रहे, इसमें ना ईर्ष्या की बदबू हो, ना जलने की आग, ना क्रोध का धुआं हो। सबके लिए स्नेह हो, क्षमा हो, रहम हो, प्यार हो, सबके लिए दुआएं हो, आशीर्वाद हो। तो ये करने के लिए अगर मेरे मन में किसी के लिए कुछ भी है, यही लेकर क्षमा कर दीजिए। मन ही मन भगवान को साक्षी रखते हुए, किसी ने मुझे कुछ कहा, मेरा दिल दुखा, विश्वासघात किया, अपमान किया, मेरे से झूठ बोला, धोखा किया, कुछ भी गलत किया, इसे मैं कैसे माफ कर दूं? तो श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता की वो लाइनें मत भूलिए कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो जिसने जो भी किया, जैसा भी किया, अपने मन को जलाने से, अपनी सेहत खराब करने से, अपने परिवार में अशांति फैलाने से बढ़िया है कि आज उसे परमात्मा के हवाले कर दो। ये जो भी है, जैसा भी है, इसने जो भी किया, जैसा भी किया, ये आपको अर्पण, आपको अर्पण। आप जानो, इसके कर्म जाने, लेकिन मैं अपने मन को आज से, अभी से शांत रखो। मेरा चित पूरी तरह शांत हो, खुशी से भरा हो, शुभ भाव से भरा हो, तो इस थोड़े से जीवन का हम आनंद ले पाएंगे। कुछ कह ही नहीं सकते, यहां श्योरिटी नहीं है। अगले ही पल हमारे साथ क्या हो जाए, कोई गारंटी है क्या? कुछ पल है हमारे पास इस जीवन के, हम नफरत में, ईर्ष्या द्वेष में, एक दूसरे में, निंदा चुगली में, बुराई में ही बिता देंगे तो जीवन का सुख कब लेंगे? तो जो ये शेष जीवन हमारे पास है, इसको हम भरपूर आनंद रूप से जिए, खूब इंजॉय करें, पल पल इसका सुख ले। इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि अगर मन में गिले शिकवे हैं तो आज यहां खत्म करके जाइए। शत्रु बनाए तो क्या बनाए, बनाने हैं तो मित्र बनाइए ना। तो मित्रों की संख्या बढ़ती चली जाए और शत्रुओं की संख्या घटती चली जाए, ऐसा जीवन इस होली से करेंगे। दूसरा,
यदि मेरे से किसी को कष्ट पहुंचा, मैंने किसी को शब्द बोल दिए हो, तकलीफ दी हो, तो आज सच्चे हृदय से बड़े दिल वाले बनकर बुद्धिमता के साथ भगवान को साक्षी रखते हुए अपने भूलों को स्वीकार करते हुए हम भी मन ही मन उन सभी से माफी मांगेंगे जिनको हमने कष्ट दिया, किसी भी रूप से दिया हो चाहे। इसके लिए तैयार है कि नहीं? अपनी माफी हमें मांगनी है मन ही मन, और भगवान 100% हमें माफ कर देंगे। प्रकृति भी माफ कर देती है जब हम अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं, जब हम अपनी भूलों को स्वीकार करते हैं, तो ये संपूर्ण प्रकृति और परमात्मा दोनों ही हमारी भूलों को माफ कर देते हैं। परंतु एक दृढ़ कंडीशन हमारी होनी चाहिए। क्या कंडीशन? कि मन वचन कर्म और व्यवहार से आज के बाद हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, तो ऊपर वाला भी माफ करेगा और नीचे वाले भी माफ कर देंगे और जीवन में आनंद आ जाएगा। ये परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होगा मेरे जीवन में। तो इस परिवर्तन को यहां से लेकर के जाएंगे। और दूसरी बात, कोरोना में हम ना भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान तूने ये क्या कर दिया, कौन सी दुश्मनी निकाली मेरे से, कुछ ऊपर नीचे काम हो गए, देखो ना ये भगवान ने तो सत्यानाश कर दिया मेरा। मैं आपको बताऊं, भगवान कभी किसी का सत्यानाश नहीं करता है। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है। कुछ ना कुछ इस जन्म में या पूर्व जन्म में ऐसे कर्म मुझसे हुए हैं जिसका फल मुझे प्रतिपल मिल रहा है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। तो भगवान से जुड़िए, सच्चे हृदय से जुड़िए, और आज एक चमत्कारिक जादुई बात यहां से कहना चाहूंगी कि सुबह शाम उलाहने देने की बजाय, गिले शिकवों की बजाय, तह दिल से उसका धन्यवाद बोलिए। जब आप सुबह उठो और जब रात्रि को सोने जाओ, दो चार मिनट बैठकर उसका आभार मानिए ऊपर वाले, और देखिए उसने आपको क्या क्या दिया है जो आप ये मानते कि ये भगवान से मुझे मिला है। उन्हें याद करके उसका आभार मानते हुए इस तरह से धन्यवाद दीजिए, इस तरह से उसका आभार प्रकट कीजिए कि आंखों से भी आंसू आ जाए प्रेम प्रेम। इतना कुछ उसने हमें दिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तो इस शुक्रिया शब्द में एक जादू समाया है। हम जिस भी चीज का शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो क्या होगा, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसकी बरकत होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर कोई चीज आपको चाहिए, भले ही वो मुट्ठी भर है आपके पास, मान लीजिए आपको पैसा चाहिए, अब जेब में केवल 10 रुपये हैं और आपको, मेरे पास तो है ही नहीं, भगवान ने सबको दिया, मुझे तो दिया ही नहीं, क्या पता ये भगवान भी क्या है, है ना। हम भगवान के लिए कुछ बोलना शुरू कर देते, तो आप सच मानिए वो 10 रुपया भी आपके हाथ से खिसक जाएगा, पता नहीं चलेगा कब मेरे को खिसक गया। लेकिन अगर 10 रुपया है आपके पास, तो मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया ऊपर वाले ने, ऐसा ना बोल करके ये बोलिए ये 10 रुपया भी 2000 से कम नहीं है, इसकी भी अपनी कीमत है। अगर 2000 में 10 कम हो जाए तो वो 2000 नहीं कहलाएगा, उसकी अपनी वैल्यू है। तो उसकी वैल्यू को समझते हुए
उसे भी साक्षात लक्ष्मी समझते हुए अपने माथे से लगाकर उसका सम्मान कीजिए, कम से कम तुम तो हो मेरे पास। जब इस तरह का भाव मेरे अंदर पैदा होगा तो लक्ष्मी खुद पे खुद हो जाएगी। जब उसको रेस्पेक्ट मिलेगा, जब उसको सम्मान मिलेगा और जब तहे दिल से उसके लिए धन्यवाद निकलेगा तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपके पास पूरी ताकत लगा देंगे धन भेजने के लिए। तो इतना सा चेंज करना है अपने मन को, हर हाल में पॉजिटिव बनाना है। अभी आप सब यहां बैठे हैं, आप सोचते होंगे कि लक्ष्मी कहां रहती है। एक बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य मिले, उनसे बातचीत हो रही थी, बड़े प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने कहा कि सबके घर में 24 घंटे में एक शुभ पल आता है, 24 घंटे में होता है लक्की टाइम, यानी कि उस शुभ पल में लक्ष्मी उसके घर में दस्तक देती है। लेकिन किसी के घर में प्रवेश हो जाती है और किसी के दरवाजे से आउट हो जाती है, वापस चली जाती है। तो बोला ऐसे कैसे? बोला होता है, वो लक्की टाइम होता है। अब वो लक्की टाइम क्या है, कैसे है, किसके घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है और किसके घर से लक्ष्मी दरवाजे से ही वापस चली जाती है, कहानी के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगी। एक सेठ जी थे, नगर के सेठ, बड़ी सुख शांति, खुशहाली, समृद्धि सब कुछ था उसके घर में। लक्ष्मी जी के अनन्य भक्त थे। एक दिन लक्ष्मी को विचार आया, काफी दिनों से सेठ के घर में हूं, अभी किसी और के यहां जाती हूं। वैसे भी लक्ष्मी जी के बारे में कहा गया कि वो बड़ी चंचल है, एक जगह ठहरती नहीं, अस्थिर है, स्थिर रहती नहीं। लेकिन सेठ जी की भक्ति से बड़ी ही खुश थी, सोचा कि जाते जाते सेठ को कुछ तो वरदान देके जाऊंगी, बड़े भाव से भक्ति की है इसने मेरी। तो लक्ष्मी जी साक्षात रूप में आती हैं सेठ जी के सामने और बोलती हैं, तूने मेरी बहुत प्यार से, भाव से सेवा की, लेकिन अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं कल सुबह ही सूर्योदय के वक्त तेरे घर से निकल जाऊंगी, लेकिन मैं तुझे कोई वरदान देकर जाना चाहती हूं, क्योंकि तुझे पता होना चाहिए मेरे जाते ही जो तेरे घर में सुख शांति समृद्धि है ये खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी गई, टोटा आया, यानी कि लक्ष्मी से जो कुछ भी मिलता है वो सब खत्म हो उसके साथ जाएगा। इसीलिए सोच समझ के कोई वरदान मांग ले मेरे से। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, मैं तो आपसे कहूंगा आप ही रह जाओ, नहीं नहीं मेरे जाने का टाइम आ गया, मैं तो जाऊंगी। वाह मांग ले, वरदान मांग ले खुले दिल से। उसने कहा मेरे घर में और सम्मान बना रहे, इतना सा वरदान देती जाना। उसने तथास्तु बोला और चली गई। अब लक्ष्मी जी पहले घर के दरवाजे पर गई, यानी कि उस घर का लक्की टाइम आया, शुभ पल आया, दरवाजे पर दस्तक दी तो क्या देखा कि पति पत्नी सास खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे, एक दूसरे को कोस रहे, अपशब्द बोल रहे। लक्ष्मी जी दरवाजे पर खड़ी ही थी, उसने सोचा नहीं, ये घर मेरे काम का नहीं है। उसने अपने कदम पीछे हटा लिए, यहां मैं नहीं रह सकती। फिर दूसरे घर में गई, वहां देखा एक पति पत्नी अपने सगे भाई के परिवार के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं,
वो दरवाजे पर खड़ी कान लगाकर सुन रही थी। बड़ा अफसोस हुआ, अपने अपनों के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं षड्यंत्र की। यहां मैं कैसे रह सकती हूं, यहां तो अपनों के लिए ही जगह नहीं है, दिलों में मनों में मेरी क्या जगह होगी, वहां से भी वो खिसक लेती है, यहां मैं नहीं रह सकती। अब वो तीसरे घर में जाती है, वहां जाती है तो देखती है सुबह का टाइम है, लेकिन अगरबत्ती की जगह सिगरेट तंबाकू की बदबू आ रही है, शराब की स्मेल आ रही है, अंडे मांस पक रही है, तामसिक। कहती नहीं, यहां भी मैं नहीं रह सकती, यहां तो घुटन महसूस हो रही। खड़े होते ही जहां एक समय था कि घर घर में मंदिर होते थे, धूप बत्ती घंटी बजती थी, भजन मंत्र के उच्चारण होते थे, आज यहां आंख खुलते ही सिगरेट, दारू, अंडा, मांस ये सब पक रहा है। वो फिर वहां से भी निकलनी आ नहीं रह सकती मैं। बात ये है कि नगर के अच्छे अच्छे घरों में घूमी, कहीं भी उसको ऐसा स्थान नहीं मिला जहां वो रह जाए, बस जाए। जब बहुत लंबा समय हो गया तो उसको विचार आया, मैं जहां से आई थी सेठ के घर से, वहां जाकर देखती हूं वहां क्या हाल चाल है। अब वापस वो सेठ के घर जाती है, दरवाजे पर खड़ी होकर देखती है, लक्ष्मी के जाते ही कंगाल हो गए सेठ, खाने के लाले पड़ गए, बीमार पड़े हैं पति पत्नी, दो बच्चे हैं, बेटा बहू मेहनत मजदूरी करके शाम को दो रोटी कमा कर लाते हैं। बड़े सम्मान और बड़े प्यार से अपने माता पिता को खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। दो रोटी में चारों भरपेट रहते हैं, रोटी दो खाने वाले चार और पेट चारों के भरे हुए हैं, क्योंकि प्रेम है, खुशी है, शांति है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। अब लक्ष्मी ने सोचा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, यहां से जाकर पूरे नगर में घूम आई हूं, ऐसा परिवार तो मुझे पूरे नगर में नहीं मिला, अब तो मैं सदा के लिए इसी ही घर में वापस चली जाती हूं जो ऐसी स्थिति में भी इतना प्रेम, इतना सम्मान और इतना एक भाव से रह रहे हैं। तो आप कहानी का भाव समझ ही गए होंगे। इस होली पर एक उपहार और लेकर जाना, प्रेम से, एक दूसरे के सम्मान से, खुशियों की फुहारों से ऐसा सजाना कि लक्ष्मी ब्रह्मांड में कहीं भी हो उसे लगे कि इस घर में मुझे जाकर रहना चाहिए। खींच सकते हैं आप उसको, बस हमारे घर का माहौल बड़ा सुंदर होना चाहिए, उसमें खुशियां होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इतना सा बदलाव करना है, जब वैर भाव यहां से खत्म हो जाएगा, गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे, माफी ली दी जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, प्रेम भाव होगा, सेवा भाव होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा। और जब एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा तो लक्ष्मी कहेगी ये घर मेरे लिए बहुत अच्छा है। और जहां लक्ष्मी आ गई वहां सुख शांति समृद्धि खुशहाली सब कुछ आ गया। तो लक्ष्मी बुलाना आपके हाथ में है, तो बुलाना चाहेंगे लक्ष्मी को सभी अपने घर में? तो इतना सा बदलाव यहां से लेकर जाएंगे और आपके घरों में सुख शांति प्रेम खुशहाली बनी रहे, इन्हीं शब्दों के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं हैं आप सभी को। आप यहां आते रहिए, खुशियां पाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ओम शांति।